हाय गाइस, आज मेरे पास आईफोन 13 सीरीज के बहुत सारे केस, इसमें इंक्लूड होता है आईफोन 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स। मैं पर्सनली इनका यूज करता हूँ आईफोन 13 प्रो के ऊपर। और बाय द वे, आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है आईफोन 13 सीरीज का तो आप सेम केस ले सकते हैं, अमेजोन के ऊपर सारे के सारे अवेलेबल है। अभी सारे के सारे केस आपको दिखाता हूँ और क्वालिटी भी बताता हूँ किसकी कैसी क्वालिटी है। और इसके अलावा कुछ स्किन्स भी है आईफोन 13 के लिए, तो इसको भी अप्लाई करूंगा अपने फोन के ऊपर और ये भी दिखाता हूँ आपको किस ब्रांड की है और कैसी है। अभी मेरे पास दो ब्रांड के केस है जो कि मैं यूज करता हूं, एक है हमारी FX और दूसरी है हमारी रिंग के, और दोनों ही Amazon के ऊपर काफी पॉपुलर हैं और सही प्राइस में हमें अच्छे क्वालिटी के केस प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसी वजह से मैं इनको यूज करता हूं। सबसे पहले FX ब्रांड की तरफ आते हैं और यहां पर तीन तरह के केस मैं यूज कर रहा हूं। ये एक ट्रांसपेरेंट केस है, लगभग 3 वीक हो चुके मुझे इसे यूज करते हुए और अभी तक भी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किसी भी तरह से ये पीला नहीं हुआ है। इसको अपने फोन के ऊपर मैं लगा के दिखा देता हूं। फोन के ऊपर लगाने के बाद कुछ इस तरह से लगते हैं इसके बैक साइड, और इसके बटन्स काफी क्लिकी हैं, सिल्वर कलर में देखे रखे हैं, और इसके अलावा अलर्ट स्लाइडर के लिए परफेक्ट शेप देके रखी है, इजीली आप इसको भी यूज कर सकते हो, और चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर के लिए परफेक्ट साइज की कटिंग करके रखी है। इसके अलावा कैमरा सेफ्टी के लिए भी काफी हाइट देके रखी है, तो आप सरफेस के ऊपर रखते हो तो स्क्रैच आने के कोई चांस नहीं है, और डिस्प्ले की सेफ्टी के लिए भी यहां पर हाइट देके रखी है, मतलब स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे और गिरने से भी बचा लेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये केस भी मुझे अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट है और फोन की लुक अच्छी लगती है इसमें, और एक डिसेंट सी सेफ्टी भी प्रोवाइड करवा देता है। ये फुली प्रोटेक्शन के साथ में नहीं आता है, अगर बहुत हैवी तरीके से गिरेगा तो आई थिंक ना बचे, पर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी है इसकी प्राइस के हिसाब से। और बाकी जिस सीक्वेंस में आपको मैं दिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना प्राइस के साथ में। और नेक्स्ट जो केस मैं यूज करता हूँ वो ये है, और ये स्मोक फिनिश में देके रखा है, तो इसको मैं अपने फोन के ऊपर लगाता हूँ। ये भी सेम ही ब्रांड का है, तो फोन के ऊपर लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक आती है। इसको लगाने के बाद लोगों ने दिखाई देता है ढंग से, पर ओवरऑल जो ये फिनिश देके रखी है ये अच्छी लगती है, और बाकी क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। बटन इसके भी काफी अच्छे हैं, क्लिकी हैं, इजीली आप प्रेस कर सकते हो, और कैमरा सेफ्टी का भी ध्यान रखा है और डिस्प्ले की सेफ्टी का भी ध्यान रखा है, और राइट कॉर्नर पे नीचे आपको FX की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इस तरह की लुक निकल के आती है इसकी, जो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट वाला बताया था उससे थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे सेफ्टी के मामले में ये। अभी नेक्स्ट बताता हूं आपको जो कि फुली सेफ्टी के साथ में आता है। नेक्स्ट हमारा ये रहा इस मिलिट्री ड्रॉप टेस्टेड केस, ये पूरी तरह की सेफ्टी देता है, और इसके साथ में आपको ये फ्रेम मिलती है। बेसिकली आपको दो कलर में फ्रेम मिलती है, एक ब्लैक और दूसरी है रेड, तो इसे बताता हूं कि कैसे आपने यूज करना होता है, क्योंकि ये फुली सेफ्टी के साथ में आता है, आपके आईफोन को पूरी तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे यहां पर अभी मैं ये ब्लैक वाले फ्रेम यूज करता हूं, तो इस फ्रेम को आपको फोन के ऊपर लगाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से फ्रेम पहले आपने लगा देनी है फोन के ऊपर, तो चाहे आप तो रेड कलर की भी लगा सकते हो, तो मैंने ब्लैक वाली लगाई है, और उसके बाद आपने ये कवर लगा देना है। तो ये हमारा केस लग गया। बेसिकली ये एक ऐसा केस है जो मतलब अपने फोन को पूरी तरह से सेफ रखना चाहते हैं उनके लिए ये केस है, और प्राइस भी इसका काफी सही है। मतलब इस तरह के केस तुम्हें पता है कि 5-6 हजार के आते हैं, कम से कम 3000 से शुरू होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी कम प्राइस में आपको पूरी सेफ्टी देता है। पर इस तरह के केस में मुझे कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं, एक तो थोड़ा हैवी हो जाता है फोन पकड़ने में, पर ओवरऑल अगर आप सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां पर हर एक चीज की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। यहां पर आपका चार्जिंग पोर्ट है, उसको भी आप पूरी तरह से बंद कर सकते हो, और ये आपके फोन को प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ भी बनाता है। स्पीकर्स के लिए भी यहां पर अलग से स्पेस देके रखा है, और यहां पर बटन्स भी पूरी तरह से क्लोज हैं, और यहां पर जो आपका अलर्ट स्लाइडर है उसे भी आप पूरी तरह से बंद कर सकते हो। ओवरऑल ये जो केस है ये आपको प्रॉपर वाली सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, डस्ट से भी, वाटर से भी और ड्रॉप से भी। तो इस केस का मैं यूज करता हूं जब मैं पहाड़ों पे घूमने जाता हूं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है, डस्ट वाटर हर चीज से फोन को बचा के रखता है ये केस। यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन की सेफ्टी के लिए इतनी ज्यादा हाइट दे के रखी है, पूरी तरह से आपके फोन की स्क्रीन को ये बचाएगा, और कैमरा के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। और ये आईफोन की स्किन भी आपको बता देता हूं जो कि हमें भेजी है गैजेट सील्ड कंपनी ने, तो इसको मैं अप्लाई करता हूं अपने फोन के ऊपर, देखते हैं कैसा लगता है मेरा फोन। बेसिकली ये स्किन हमें दो कलर में मिल रही है, रेड और ब्लैक। ये एक स्पेशल एडिशन स्पाइडर स्किन है, इसको लगाने के लिए पहले आपको रेड वाली अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद ऊपर ब्लैक वाली। तो गाइस अभी आपको फाइनल लुक दिखाता हूं कैसा फोन निकल के आ रहा है, और सच बता रहा हूं ये देखो, वाओ यार पूरा मतलब स्पाइडर बना दिया इसको, स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही है मुझे। लुक एट दिस, वाओ यार मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा, ऐसा मत समझना कि ब्रांड ने भेजा है, सच में मुझे बहुत अच्छी लगी यार ये स्किन। निखिल तुझे कैसी लगी? मुझे बहुत सही लगी। तो कुछ ऐसी लुक निकल के आएगी अगर आप इस स्किन को लगा देते हो, और बहुत ज्यादा लाइट वेट है, केस थोड़े हैवी होते हैं, अगर आपको फोन की सुंदरता बढ़ानी है तो आप स्किन्स यूज कर सकते हो। ये देखो एक बार पास से दिखाता हूं, कुछ ऐसा लग रहा है। और यहां पर आईफोन के चार्जर के लिए भी स्किन है, ये मुझे काफी अच्छी लग रही है क्योंकि चार्जर को बहुत जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो ये चार्जर के ऊपर स्किन लग गई है और बहुत ही प्यारा ऐसा लग रहा है, ब्लैक कलर में लुक की चेंज होगी इस चार्जिंग ब्रिक की, तो स्क्रैचेस
से बचाने के लिए अच्छी चीज है। तो अगर आप भी अपने फोन के लिए इस तरह की स्किन लेना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं रिंग के ब्रांड के केस की तरफ। सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट वाला है और कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फोन के ऊपर लगाने के बाद कुछ ऐसी लुक निकल के आती है और पर्सनली मुझे ये वाला केस काफी बढ़िया लगता है। इसको लगाने के बाद फोन की जो अपनी लुक है वो काफी बढ़िया लगती है। और अभी स्किन के साथ में कुछ ऐसा लग रहा है और बिना स्किन के भी आपको दिखाई देता हूं, बिना स्किन के ऐसा लगेगा ये। और बाकी इस केस को भी यूज करते हुए लगभग मुझे 3 से 4 वीक हो चुके हैं और इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी थोड़ी येलो हो चुकी हैं, पर जो इसकी बैक साइड है वो येलो नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी एक मेगा वीडियो बनाई थी। बाकी ओवरऑल केस ये भी काफी बढ़िया है। और सेफ्टी की बात करूं तो ये जितने भी केस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे परफेक्ट डिजाइन है इन सभी का, और सेफ्टी का भी ध्यान रखा हुआ है। और बाकी प्राइस के हिसाब से सेफ्टी भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट केस हमारा ये रहा, ये थोड़ा सैंड फिनिश में है, ये वाला भी काफी बढ़िया लगता है। ये भी सेम रिंग के ब्रांड का है। फोन के ऊपर लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक आती है। डिजाइन इसका भी काफी बढ़िया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। कैमरा के लिए बम्प है, डिस्प्ले के लिए भी, ओवरऑल ये भी काफी बढ़िया। बटन्स वगैरह भी क्लिकी हैं इसके, तो ये आप इसकी लुक देख लो। और नेक्स्ट केस ये रहा, ये सेंटर से ट्रांसपेरेंट है और साइड्स इसकी ब्लैक कलर में है। और फोन के ऊपर लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक आती है और ये स्किन के साथ में काफी अच्छा लग रहा है। और ये केस भी सेफ्टी काफी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर साइड बम्प और बटन्स वगैरह सब कुछ बढ़िया देकर रखे हैं। और लुक आप देख लो इस केस को लगाने के बाद कैसी आएगी। नेक्स्ट और लास्ट केस ये रहा, ये वाला थोड़ा हैवी केस है और सेफ्टी के लिए सबसे तगड़ा केस है ये रिंग के ब्रांड का। और इसका जो डिजाइन है ये काफी एग्रेसिव जैसा है, तो कुछ इस तरह की लुक आती है जब आप इसको फोन के ऊपर लगा देते हो। थोड़ा हैवी केस है, जो सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर हाइट भी काफी अच्छी देके रखी है, इवन कॉर्नर से भी आपकी स्क्रीन को पूरी तरह से कवर करता है ये। बस एक ही दुख है, आपके फोन को ये थोड़ा मोटा कर देगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मिलिट्री टाइप की लुक देता है और अच्छा लग रहा है। तो फिर गाइस ये जितने भी केस मैंने आपको बताया दोनों ब्रांड के काफी बढ़िया है। बस आपने ये देखना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। लिंक मैं सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको ये स्किन पसंद आई है तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको एप्पल प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।